नमस्ते गाइस, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का। ये इसके अंदर हम प्लांट के आईडी लिखने के जो टैग्स होते हैं वो जानेंगे, कैसे हम बना सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने एक केन लिया हुआ है। ये बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं सबके पास, जनरली टीन के कैन अवेलेबल हो जाते हैं। तो इनकी हेल्प से, इसकी हेल्प से हम लोग एयर प्लांट के आईडी जो टैग होते हैं वो हम बनाने वाले हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं, पेपर कटर की हेल्प से इसके टीन के एजेस पे मैंने कट लिया लगाया है। और एक आपको फिर हैवी ड्यूटी एक सीज़र लेनी है जो बहुत ही आराम से इस जो कैन है इसको काट लेगी। जैसा आप देख पा रहे हैं, आराम से, कोई मुझे मेहनत भी नहीं लगी इसे काटने में, बहुत अच्छे से ये फटाफट कैची की हेल्प से ही कट गया है। तो आप जब भी इसके साथ आप काम करें, कैन के साथ, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। इसके जो एजेस होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, तो हाथ में लग सकते हैं आपको। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल वर्किंग। तो हमारा ये चारों दोनों साइड हमने काट ली है, तो ये जो बीच का पोर्शन बचा है इसकी जो हेल्प से हम लोग जो प्लांट टैग्स हैं वो बना लेंगे। तो एजेस का आप प्लीज़ बी केयरफुल, एजेस का ख्याल रखें काटते वक्त। जैसा मैं आप इनको काट रहा हूँ उस वैसा आप काट सकते हैं, और जो भी आप शेप प्रेफर करें उस शेप के हिसाब से आप इन टैग्स को बना सकते हैं। तो चार पांच टैग मैं काट लेता हूँ, उनको देखते हैं मैं कैसे बनाऊँगा इनको। देखिए कितनी इजीली इस सीज़र की हेल्प से हम काट पा रहे हैं, ऐसा कोई हमें मुश्किल नहीं हो रही है काटने में। तो आप एक सीज़र ऐसी लीजिए जो हैवी ड्यूटी हो और आराम से कट जाए। तो हम इसके एजेस बहुत शार्प है, तो हम इसको एजेस को काट लेंगे। मैं इसको राउंड शेप में काट रहा हूँ, थोड़ा टैग दिखने में भी अच्छा लगेगा और इसकी जो शार्प एजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये हमारा एक टैग ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसको रेक्टेंगल शेप में भी बना सकते हैं, मुझको ये शेप अच्छी लगी तो मैंने इसको राउंड शेप में कर दिया है दोनों साइड से। दोनों साइड की शार्पनेस ख़त्म हो जाएगी, तो हाथ में लगने का जो भी वो खतरा है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा एक चीज़, इतने लॉन्ग लास्टिंग ये टैग्स होते हैं जो हम प्लास्टिक के आमतौर पर यूज़ करते हैं, वो जो टैग्स हैं वो जैसे हम प्लास्टिक के यूज़ कर रहे हैं ओवर द टाइम वो ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। मार्कर से हम लिख लेते हैं उन टैग्स पे, कुछ टाइम बाद वो जो मार्कर का लिखा हुआ होता है वो मिट जाता है पानी डालने से या बारिश से, जो भी है। तो हम ये वाले जो टैग्स यूज़ करेंगे काफ़ी हमारे लॉन्ग लास्टिंग होंगे, ये आराम से ख़राब भी नहीं होंगे। और जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनको बना सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक के कैंस आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, मिल्क शेक के कैन यूज़ कर सकते हैं, और जो भी पतली वाले क्वालिटी के कैन होते हैं जो इजीली कट जाएं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और ये
पंचिंग मशीन की हेल्प से हम इसके अंदर एक होल कर लेंगे। बहुत आसानी से इसके अंदर होल हो जाता है। हमारे टैक्स रेडी हैं। अब इसके अंदर देखिए, इस पे हम पेन से लिखेंगे तो नीचे, जैसे मैंने कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिया है तो आप उसको कार्डबोर्ड का टुकड़ा रख के ही आप लिखें तो ही आप ढंग से लिख पाएंगे, तो उस पे जो प्रिंट होगा तो वो अच्छे से हो पाएगा। जैसे मैंने पेन से लिख दिया है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये गड़ गया है, तो अभी ये कभी ख़राब नहीं हो सकता है टैग। ये इसके अंदर जो नाम है वो मिटने की दिक्कत नहीं आएगी। अब पॉट के साइड में जैसे मैंने लगा दिया है, पॉट के साइड में भी लगा सकते हैं। और कोई भी आपका जो और प्लांट्स है, अगर आपको प्लांट पे हैंग करना है तो आप प्लांट पे हैंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इस एडेनियम में करा है। काफ़ी अच्छा तरीका लगा मेरे को ये। सही, एक अनादर शॉट। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने एक हैंग करा हुआ है इस टैग को। जो आपके पेड़ वाली वैरायटीज़ होती हैं, जो ब्रांचिंग काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो आपको इसके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू सो मच।